नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24/7 के साथ और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं डक बंगला चौराहा के पास। जी हां, जैसे कि आप देख सकते हैं वहां हमारी जो हमारी जहां मौजूदगी है ठीक उसके अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं यहां संगीता लिखा हुआ है। ठीक उसी अपोजिट साइड में हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक लीटी का कॉर्नर है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिक्की लीटी कॉर्नर। जी हाँ, जैसे कि आपको बता दें हमारे बिहार हमारी राजधानी पटना की जो फेमस है लिट्टी चोखा, लोग हमारे जो बिहार के लोग हैं वो लिट्टी और चोखा ज़्यादा ही पसंद करते हैं और ज़्यादा ही हमारे बिहार का लिट्टी चोखा ट्रेडिशनल खाना है। लोग काफ़ी पसंद करते हैं लिट्टी चोखा को खाना। जी हाँ, इसी कंटेंट में आज हम लेकर आए हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं बिक्की लिट्टी कॉर्नर लिखा हुआ है, इसके नीचे ठीक लिखा हुआ है शुद्ध घी का लिट्टी चोखा। जी हाँ, जो लिट्टी बनाई जाती है शुद्ध घी की होती है। तो चलिए, इस स्टॉल के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो लिट्टी जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ खुद जो बैनर है उस पर लिखा हुआ है शुद्ध घी, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा मुकेश कुमार हुआ। ये जो लिट्टी का कॉर्नर है आप कब से खोल रहे हैं स्टॉल? हो गया 10 साल। 10 साल? दस साल हो गया। ये लिट्टी आपने कैसे बनाई है? लिट्टी आटा के बनता है। जैसे कि फ्रंट पे जो बैनर है उस पे लिखा हुआ है शुद्ध घी। हाँ, शुद्ध घी का जैसे घी जो रहता है, बाकी आटा और सत्तू का लिट्टी हो गया है और घी जो है घी में डुबा के देते हैं। अच्छा, मतलब शुद्ध घी का बनता है लिट्टी। हमारे जो बिहार का ट्रेडिशनल खाना माना जाता है लिट्टी और चोखा। बिहार का गौरव है। हाँ, गौरव है। यदि जो बिहार में आए और लिट्टी चोखा का आनंद ना उठाए फिर बिहार में आने का कुछ मजा ही अलग हो जाएगा। और जैसे कि लिट्टी के साथ क्या, साथ साथ और क्या? लिट्टी के साथ चोखा है और बादाम लहसुन सरसों का चटनी है, धनिया का चटनी है, सलाद है, फ्राई किया हुआ मिर्चा है, और चटनी और ये सब दिखाइए। दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। जैसे कि आप डाक बंगला चौराहा के पास अपना स्टॉल खोले हैं तो यहाँ पे मतलब कस्टमर का रिस्पांस कैसा आ रहा है? बढ़िया आ रहा है, सेल भी बढ़िया हो रहा है। अच्छा हो जा रहा है। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ऐसे तो उधर जम्मू के हैं, फिलहाल मंदिर में डेरा लेके रहते हैं। मतलब डायरेक्ट यहीं पे स्टॉल आपने खोला है या कहीं और भी खोला था? ना, डायरेक्ट यहीं खोले, और है दो चार जगह। दूसरा जगह है बोरिंग रोड में है, एग्जीबिशन रोड में है। अच्छा, आप ही का है वो? नहीं, हम तो स्टाफ हैं। अच्छा, इसका मालिक हम, मालिक कोई और है। अच्छा, इसका मालिक और जैसे आप देख सकते हैं ये स्टाफ है और इनका जो स्टॉल है एक बोरिंग रोड में है और दो तीन और कहाँ कहाँ है? एग्जीबिशन रोड में है, एग्जीबिशन रोड और एक डक बंगला पर है, एक मोरिया लोक है। चार स्टॉल है जो अलग अलग जगह पर है पटना में। जैसे कि ये स्टाफ हैं और इनके जो ऑनर हैं कोई और है जो चार स्टॉल खोला हुआ है, जैसे एक बोरिंग रोड, एक एग्जीबिशन रोड, मोरिया लोक। चार इनका स्टॉल है। बिहार का ट्रेडिशनल खाना है लिट्टी चोखा। जी हाँ, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं यदि बिहार में वो आते हैं तो यहाँ का जो लिट्टी है बहुत ही मज़ेदार लगता है। जो लिट्टी और चोखा का जो स्वाद है, चटनी, हरी चटनी और बादाम, बादाम की चटनी, हरी चटनी और लिट्टी चोखा दिया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे जो ये काम करते हैं इनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की तो इन्होंने बताया कि लिट्टी के साथ चोखा और हरी चटनी और धनिया की चटनी और बादाम की चटनी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो जो भी हमारे दर्शक हैं, चाहे जो भी हैं पटना में रहने वाले हैं, यहाँ पर आए और यहाँ का जो स्टॉल है यहाँ पर आकर बैठे और यहाँ जो लिट्टी चोखा बनाई जाती है उसका आनंद उठाएं। जैसे कि हमने इनसे बातचीत की, जो स्टॉल के जो ऑनर हैं उनसे बातचीत की और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जो दो लिट्टी के साथ वो हरी चटनी देते हैं और बादाम की चटनी और सलाद भी देते हैं। जैसे कि दो लिट्टी का जो प्राइस हुआ वो 25 रुपये है। जी हाँ, पहले तो ये लिट्टी 20 रुपये में मिलती थी लेकिन महंगाई की वजह से ये लिट्टी का दाम 25 रुपया हो गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस बैनर पे क्या लिखा हुआ है, चलो कुछ अच्छा खा लें। जी हाँ, एक स्लोगन लिखा हुआ है, चलो कुछ अच्छा खा लें, जो बिहार का ट्रेडिशनल खाना है लिट्टी चोखा। स्लोगन तो बहुत मज़ेदार है। उसके साथ साथ आप बैनर पर देख सकते हैं हमारे जो भोजपुरी कलाकार हैं, जैसे कि हमारे भोजपुरी
एक तरह से देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं खेसारी लाल यादव, ये हमारे बिहार के बहुत ही फेमस एक्टर हैं। जी हाँ, इनका यहाँ पे पोस्टर पे फोटो लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारे बिहार के हैं। तो जो भी हमारे दर्शक हैं, चाहे जो भी हैं पटना में रहने वाले हैं, यहाँ पर आए और यहाँ का जो स्टॉल है यहाँ पर आकर बैठे और यहाँ जो लिट्टी चोखा बनाई जाती है उसका आनंद उठाएं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और बाकी की तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें भारत 24/7।